अच्छे आज के वर्तमान के बहुत उभरते हुए बहुत बेहतरीन उम्दा कुशल रागिणी गायक हैं। मैं एक भजन आपको सुनाता हूं और भजन हमारे देश के एक बहुत बड़े बलिदानी व्यक्ति हुए हैं सरदार भगत सिंह, जिनको शहीद आजम कहा जाता है और जिनके कारण हम हैं, हमारा अस्तित्व उनके कारण है। वस्तुतः अगर नेता का नाम लें तो नेता तो एक ही हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन बलिदानियों के कारण ये भारत माता है, हम हैं, आप हैं, ये स्वतंत्रता है, ये आजादी है। नौजवानी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इसे नौजवानी कहते हैं। एक बार सरदार शहीद आजम भगत सिंह किसी कार्य से उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा, अंग्रेजों का शासन था, कचहरी के अंदर जाना पड़ा। हंसते रहते थे क्योंकि नौजवान थे, नौजवानी थी, ब्रह्मचर्य की ताकत थी। वेद में भी कहा है कि साहस और उत्साह यह जीवन है, आलस्य निराशा यह मृत्यु है। तो साहसी व्यक्ति थे, जीवित व्यक्ति थे सरदार भगत सिंह। जज के सामने अचानक उन्हें हंसी आ गई और अपनी हंसी को रोक ना सके, अंग्रेजों का शासन था। जज ने कहा कि इसने तो अदालत की तोहीन की है, निरादर किया है, अपमान किया है, इसको तो फांसी दे दो। अंग्रेजों का शासन था, बात बात पे फांसी दे दी जाती थी, लेकिन सरदार भगत सिंह की जो हंसी थी वो उसे रोक नहीं पाए, निरंतर हंसते रहे। छोटी आयु थी, जज से उनका एक वार्तालाप हुआ और कहने लगे, जज साहब आप मुझे हंसने पर फांसी दे रहे हैं, लेकिन आगे क्या क्या होगा, आप जानते हैं कि मैं किसका पूर्वज हूं, मेरे वंशज कौन कौन हैं? क्या बात, शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहने लगे। ये एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखी है, एक बार सुनिए क्या कहा शहीद आजम सरदार भगत सिंह। भी कह देता हूं, अभी तंवर साहब तिब्बत के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने रात एक बयान दिया है, अब मीडिया उसे विवादित बता रहा है, लेकिन मुझे तो विवादित सा नहीं लगता, वो उन्होंने सच कहा है। तंवर साहब अकेले महाशय जी ने ताली बजाई है, आप बजा दीजिए अगर मेरी बात का समर्थन करते हैं तो। उसी प्रकार मैं एक बात कह देता हूं कि बंटवारे वाली रात में शायद कोई सोया होगा, बंटवारे वाली रात में शायद कोई सोया होगा, वो गांधी को कैसे पूजे जिसने भगत सिंह को खोया हुआ, वो गांधी को कैसे पूजे जिसने भगत सिंह को खोया हुआ। भगत सिंह जज से कह रहे हैं, अरे हंसते हंसते जिया करें, ये ही नौजवानी होती है, हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है। और इतिहास किसका लिखा जाता है, हर देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें। गीत सुनिएगा,
भाव से सुनिएगा। मैं कभी भी अश्लीलता और मात्र मनोरंजन के लिए कभी नहीं गाता हूं। मुझे 8-10 वर्ष हो गए, मैं ऐसे गीत गाता हूं जिससे नौजवानों को अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके और कुछ परिवर्तन ला सके, कुछ सोच सके देश धर्म और संस्कृति के विषय में। डॉक्टर पवार की वो पंक्तियां मुझे याद है कि मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के, अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के, चंदन के, लेकिन जब से पगडंडी तक संसद तो कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के, क्रंदन के। वो बात मैं कहता हूं। सरदार भगत सिंह कह रहे हैं क्या, एक रोज सरदार भगत को कचहरी अंदर बुलाया गया, हंसना यहां पे सख्त मना है ये आदेश सुनाया गया, हंसना यहां पे सख्त मना है ये आदेश सुनाया गया, मगर हंसी को रोक सकाना भारी उसे दबाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए यह ऐलान सुनाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए यह ऐलान सुनाया गया। तोहीन अदालत की करना, तोहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। सुनाया गया मगर हंसी को रोक सकाना भगत सिंह, मगर हंसी को रोक सकाना भारी उसे दबाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए यह ऐलान सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। जज ने कह दिया इसको फांसी दे दो, लेकिन सरदार भगत सिंह पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, कहने लगे जज साहब, जज से बोला भगत सिंह अब हंसने में आनंद मुझे, जज से बोला भगत सिंह अब हंसने में आनंद मुझे, धधक रही है दिल में ज्वाला कभी बुझाई नहीं बुझे, धधक रही है दिल में ज्वाला कभी बुझाई नहीं बुझे, सदा शहीदों की जय बुलती, कहने लगा सरदार भगत सिंह, सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीने नहीं बुझे, जज साहब सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीने नहीं बुझे, फांसी पे आ गई हांसी तो कहां मरने में जगह तुझे, फांसी पे आ गई हांसी तो कहां मरने में जगह तुझे। इको गाड़ी है वाटर सप्लाई के सामने, HR 51 S20 94 भाई जिस सज्जन की हो यहाँ बैठे हुए हो तो उनसे कृपया प्रार्थना है कि वहां जाकर अपनी गाड़ी को हटा लें। फांसी पे आ गई हांसी तो कहां मरने में जगह तुझे, फांसी पे आ गई हांसी तो कहां मरने में जगह तुझे, फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है।
कहानी होती है। संबोधित करते हुए कहने लगे, जज साहब आपके फांसी के आदेश से मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों? मैं वीर बंदा बैरागी का वंशज हूं, वो मेरे पूर्वज थे। जज साहब, क्या आपको वीर बंदा बैरागी की घटना याद नहीं, जब मुगल के दरबार में वीर बंदा बैरागी को बेड़ियों से जकड़ के उन्हें प्रस्तुत किया गया, उन्हें हाजिर किया गया और मुगल शहंशाह ने कहा कि इस्लाम को स्वीकार कर ले या धर्म को परिवर्तन कर ले, बदल जा, लेकिन वीर बंदा बैरागी ने मना कर दिया था। हमारी त्वचा में यदि प्लास से पकड़कर खींचा जाए तो कितना दर्द होगा, उंगली दरवाजे के बीच में आ जाती है तो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सज्जनों यहां बैठे हुए हैं, वीर बंदा बैरागी की जिंदे जिंदे व्यक्ति की खाल को सिंडासियों से पकड़ पकड़ के नोचा गया था उस दरबार में और कहा गया था परिवर्तन कर ले। लेकिन वीर बंदा बैरागी जिसके जीवित व्यक्ति की खाल को नोच लिया गया वो हंसता रहा। तब उनके एक डेढ़ वर्ष के बच्चे को मारकर और उस बच्चे का मांस उसके मुंह में ठूंस दिया गया वीर बंदा बैरागी के, तो भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और हंसते हंसते इस भारत माता पर, इस वैदिक धर्म पर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे दिया। भगत सिंह कहने लगा, जज साहब मैं वीर बंदा बैरागी का वंशज हूँ, मैं आपके फांसी के आदेश से डरने वाला नहीं हूँ। तो मैं चाहूंगा एक बार सरदार भगत सिंह को याद करते हुए जोरदार तालियों के साथ उस शहीद को याद करेंगे। कैसे भला, भाई जिसकी ये इको गाड़ी है देखो, यहाँ तो बैठा होगा तो चला जाता, यहाँ नहीं है वो कहीं उधर उधर ही है, यहाँ होता तो चला जाता, अब तक खड़े हो गए। सुनिए, कहने लगे भगत सिंह, बैरागी बंदे की घटना, बैरागी बंदे की घटना क्या जज साहब तेरे याद नहीं, बैरागी बंदे की घटना क्या जज साहब तेरा याद नहीं, सिंडासियों से खाले नोचली तन से खून की धार बही, सिंडासियों से खाले नोचली तन से खून की धार बही, ये सरिया करके लाल घुसेड़े, सरिया करके लाल घुसेड़े तन में और क्या कसर रही, बेटा करके कत्ल मांस की बोटी मुंह में ठूस दई, बेटा करके कत्ल मांस की बोटी मुंह में ठूस दई। लेकिन इतना सब होने के बाद वो वीर बंदा बैरागी क्या कहता है, हंस हंस के बैरागी कहता, इतना होने के बाद हंस हंस के बैरागी कहता, मुझे ना परेशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करे ये ही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। सुनिएगा, आप आयु में मेरे दादाजी से भी बड़े व्यक्ति यहां पे बैठे हुए हैं,
आपके सामने मैं अत्यधिक वार्ता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं। आपके पास 70-70, 80-80, 90-90 वर्ष का अनुभव बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहने का दुस्साहस करता हूं कि व्यक्ति की पहचान बताइए कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। ये होता है व्यक्ति जिसने हंसना सीख लिया, जिसने हंसना सीख लिया वह ना जीवन में रोएगा। जिसने हंसना सीख लिया ये जीवन है, ना जीवन में रोएगा। वीर बहादुर मिट सकता है स्वाभिमान ना खोएगा, वीर बहादुर मिट सकता है स्वाभिमान ना खोएगा। झूठा चापलूस मिन्नत करके मुंह का थूक बिलोएगा, ईश्वर का विश्वासी जन सत्य मार्ग ही टोहेगा। ईश्वर का विश्वासी जन सत्य मार्ग ही टोहेगा। ये हमारे ओमवीर सिंह जी कुमार साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, जाजू का गांव है इनका भी, संगेल से, संगेल गांव से हैं, पिता तुल्य हैं, 200 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 500 रुपए का पुरस्कार रामोतार जी, ये मूलतः जाजू का संगेल उजीनी के पास है, लेकिन ये 27 वर्ष से दुबई में रहते हैं, और एक बार इन्होंने दुबई में भी हमारा कार्यक्रम कराया था। तो दोनों सज्जनों के लिए आप एक बार ताली बजा के अभिवादन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे भला नित नई वीरों की गाथा, नित नई वीरों की गाथा नहीं पुरानी होती है, देश धर्म पे मरे जोन की अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये ही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जोन की अमर कहानी होती है। और अंत में कवि महोदय जी ने कलम तोड़ दी लिखते समय, देश धर्म पे मिटने वाले वीर हमेशा ढेटे हो, कभी नहीं मिट सकते जिन्होंने देश के संकट मिटे हो, कभी नहीं मिट सकते जिन्होंने देश के संकट मिटे हो। श्रृंगार यही श्रृंगार यही संसार यही जो मौत के साथ लपेटे हो, धन धन वो जननी माई जिसके ऐसे बेटे हो, धन धन वो जननी माई जिनके ऐसे बेटे हो, धन धन वो जननी माई जिनके ऐसे बेटे हो। साहस बढ़ाए बच्चों का, ये भजन माशे खेम सिंह खेमचंद जी का लिखा हुआ, खेमचंद माशे जी सोटे वाले मुजफ्फरनगर के। साहस बढ़ाए बच्चों का वो माँ मर्दानी होती है, देश धर्म पे मरे जोन की अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये ही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती हो, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है।